वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद ट्रिपल द मस्ती, ट्रिपल द फन एंड ट्रिपल द मजा। सो आज हम आए हैं दिल्ली के एक हिडन जिम को एक्सप्लोर करने, जिसके बारे में ना बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज हम आए हैं शांति स्तूपा, एंड ये जो जगह है ना दिल्ली के बहुत ही नामी जामी रेलवे स्टेशन के पास है, जो है निजामुद्दीन। एंड इस जगह के बारे में और आप इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो आप आज हम देंगे आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन, वो हम आके आपको वीडियो में बताते रहेंगे आगे। तो वीडियो में बने रहे और करते हैं इस जगह को एक्सप्लोर। अभी हम लोग हैं इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर और यहीं से रास्ता जाता है शांति स्तूपा तक का। एंड जब आप निजामुद्दीन से आएंगे ना, तो वो आपको इंद्रप्रस्थ पार्क की एंट्रेंस पर उतारेगा। यहाँ से ये जो शांति स्तूपा है वॉकिंग डिस्टेंस पे है 9 मिनट्स की, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, इस ट्रेल को फॉलो करते हैं। अगर आपको भी रास्ता समझ में ना आए ना, तो आप भी आ सकते हैं। एंड वहाँ से ई रिक्शा है, वो 20 रुपीज़ चार्ज करेगा पर पर्सन। हाँ, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इंटरेस्टिंग ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और फूड वीडियोस करना, चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और अब हम आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल से डेस्टिनेशन को। तो स्टे ट्यून्ड। ऑलमोस्ट अपना ऑलमोस्ट रास्ता कवर करके पहुंच चुके हैं, और ये रहा हमारे बिल्कुल शांति स्तूपा। एंड अब पता क्या है सबसे बेस्ट पार्ट, हम लोग आए सनसेट के टाइम पे, तो यहाँ का जो व्यू होने वाला ना एकदम वाइब, प्रॉपर वाइब है, वाइब सेक्सी होने वाले। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दिल्ली इतनी सुंदर लग सकती है शाम के टाइम में, बट लग रही है। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जो इतनी प्रॉपरली वेल एस्टेब्लिश एंड वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंद्रप्रस्थ पार्क लाइक अराउंड 10 साल पहले आई होंगी शायद से, 10 साल के बाद आई हूँ आज मैं यहाँ पे, और ये इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मुझे लगता था कि ये बहुत बेकार है, बट नो। एंड मैं जिंदगी में पहली बार आई हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट एक फन फैक्ट बताती हूँ, मैंने सर्च करा शांति स्तूपा दिल्ली, वो झंस्कार वैली दिखा रहा था मुझे, ठीक है वो बहुत दुख होता है देख के, बट चलो अभी दिल्ली वाला एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, ब्यूटिफुल। चलो चलते एक्सप्लोर करते हैं। शांति स्तूपा, और ये रहा हमारा शांति स्तूपा, आप देख सकते हो। और ये रही जगह, यार बहुत सुंदर लग रही है जगह ना, मतलब इवनिंग के टाइम पे मुझे नहीं पता था ये जगह एक्चुअल में इतनी सुंदर लगती है। मतलब हम लोग जब क्रॉस करते थे नोएडा साइड जाते थे ना, तो यहाँ से दिखती रहती थी, बट बहुत सुंदर है, आप देखो। शांति स्तूपा एंटर करते ही आपको यहाँ पे शांति स्तूपा इस साइड मेरे बिल्कुल बैक साइड पे, और इस साइड पे जो है ना यहाँ पे देखो व्यू, देखो कितना मस्त है। एक पार्क है जो पूरा रॉक से थीम बना हुआ है, एंड आई एम इन लव विद द स्पेस। शांति स्तूपा एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जिसको बनाया गया था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड। पहले इस जगह पे ना बुद्धा जयंती पार्क बनने वाला था, बट बाद में यहाँ पे ये शांति स्तूपा बनाया गया, इस मॉन्यूमेंट पे इस मंदिर को बनाया गया। एंड ये भी माना जाता है, या फिर एक्चुअल में ये फैक्ट है मैं बोलूँ, कि ये जो पार्क है ना ये दलाई लामा ने 2007 में इनॉग्रेट कर। तो ये था हमारा पूरा एंटायर शांति स्तूपा का टूर। एंड यहाँ पे आपको खाने के ऑप्शन भी मिल रहे हैं, आपको घूमने के ऑप्शन मिल रहे हैं, पीस भी मिल रहा है, सब कुछ फुल पैकेज लोड है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ की कैंटीन और आपके पास और क्या क्या ऑप्शन हैं।
तो इस जगह को विजिट जरूर करें, और अगर आप पहले ही कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगती है, आपका व्यू पॉइंट कैसा है। ये जो है यहाँ पे कैंटीन का एरिया है, यहाँ पे आके आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ का मेन्यू एक बार दिखा देती हूँ। देन सिटिंग एरिया भी बहुत बढ़िया से दे रखा है, एंड यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, मठाला, डोसा, चाउमिन, सैंडविच, मतलब ये सब यहाँ की वैरायटी है। पानी की बॉटल्स भी मिल सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर शांति स्तूपा टूर। एंड यहाँ की टाइमिंग्स अगर मैं आपको बताऊँ तो सुबह 5 बजे ये जगह खुल जाती है, एंड शाम को एग्जैक्ट 6 बजे, ये 6:30 बजे यहाँ पे टेम्पल बंद हो जाता है, 7 बजे यहाँ पे जो पार्क है इंद्रप्रस्थ पार्क ये बंद हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं, आप लोग आराम से आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एंजॉय कर सकते हैं यहाँ की ब्यूटी को। इवन यू कैन कम हेयर विद योर फैमिली एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम या विद योर फ्रेंड्स। एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है जहाँ पे आप बैठ के पिकनिक भी कर सकते हैं स्पेशली। तो आई होप यू होप कि आप लोगों को ये जगह अच्छी लगी होगी, और ऐसी जगहों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो दिल्ली में बहुत सुंदर सुंदर जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। क्योंकि मैंने बहुत सारी ये चीज़ देखा है, हमारे एनालिटिक्स बताता है कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स है ना वो देख के चले जाते हैं, ना वीडियो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लाइक का बटन दबाने के पैसे भी नहीं चाहिए। मच्छरों ने ना मैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं चैनल पर बने रहिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।